तीनों बहनें फिर से आपस में पहले जैसे हो जाएंगी, ये मुझे यकीन है। उसने ये साफ कहा है कि उसे आज ही शूटिंग करनी है, नहीं तो वो किसी दूसरे को फिक्स कर देगा। आज ही शूट करना है मुझे। अभी तुम जाओ, I'll be fine, really. तुम कैंसिल मत करो, जाओ। आप मेरा चेकअप करेंगी ना? मैं तेरा चेकअप ही नहीं, तेरा ऑपरेशन भी करूंगी। कविता दीदी, रिश्ते जब नया जन्म लेते हैं तो उन पर आंसू नहीं बहाने चाहिए। आई एम श्योर आप अंदर से मुस्कुराने की वजह लेकर आई हैं। तो फिर रश्मि, मैं अपनी उन बेवकूफियों पे आंसू बहा रही हूं जिसकी वजह से मैंने हंसने के बहुत सारे बहाने खो दिए। वो लोग किस्मत वाले होते हैं जिन्हें जिंदगी दूसरा मौका देती है, और जो इस मौके का फायदा उठाते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, और आप तो इंटेलिजेंट हैं। आई एम वेरी हैप्पी दीदी कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है। अपने रिश्तों से दूर हो जाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जब रिश्ते जंग खा जाते हैं ना, तब जिंदगी भर के लिए कच्चे हो जाते हैं। दीदी, इट्स वेरी नेचुरल कि इंसान को इसकी समझ बहुत देर से आती है। बेटे बेटे, ये जरूरी ये नहीं है कि तुमने क्या खोया, जरूरी ये है कि तुमने क्या भुला दिया। इसलिए भूल जाओ उस बुरे वक्त को। पापा, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया पापा। बेटा बेटा, जानबूझकर कोई कुछ नहीं करता। देख कविता, शायद बेटा मैंने ही कोई कमी छोड़ दी होगी कि मेरे घर में इतने साल ये मुखालफत पनपती रही, और मैं तुझे दोष नहीं दे रहा हूं, बिल्कुल नहीं दे रहा हूं। मैं अपनी गलती मान रहा हूं बेटा, और अब मैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ भी करूं, कुछ भी। कुछ भी पापा? हाँ बेटा, क्यों? बस कंफर्म करना था। अब कभी मैं कुछ मांगू तो आज की बात याद रखिएगा। पापा, मैं रोहित से मिलना चाहती हूँ। चलो छोड़ दो। नहीं पापा, आप दीदी के पास ही रहिए। अरे यार, मैं बात कर रहा हूं ना, एक सेकंड रुको, आधे घंटे का ब्रेक, लाइट ऑफ करो, जाओ सबके सब यहां से। कुछ नया करो यार, मैं इस तरह से बहुत बार तुम्हें शूट कर चुका हूं। पर मैं सब कुछ तो ट्राई कर चुकी हूं, अब तुम ही बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं क्या बताऊं मुझे क्या चाहिए, इतने समय से मेरे साथ काम कर रही हूं, कम से कम तुम्हें अब तो पता होना चाहिए ना। तुमसे मैंने जो भी सीखा है वो सब ट्राई कर चुकी हूं, अब मैं क्या करूं। टेक अ ब्रेक एंड थिंक कि तुम्हें करना क्या है। दैट्स इट। आई थिंक तुम्हें ब्रेक लेकर सोचना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। क्या हुआ किरण? हम लोग ये असाइनमेंट छोड़ नहीं सकते हैं क्या? अरे सिमरन इतनी क्रिटिकल हालत में हॉस्पिटल में है, मुझे वहां पर होना चाहिए, मैं यहाँ पर। अभी दिस इज रिडिकुलस। अगर कोई मॉडल ऐसे बिहेव कर रही होती तो तुम चीख रहे होते। काम छोड़ना है तो छोड़ दो ये सामने को, पर कितना काम छोड़ोगे? तुम्हारी प्रॉब्लम्स तो जिंदगी भर चलती रहेंगी, क्या जिंदगी भर यही करते रहोगे? डू यू अंडरस्टैंड, मैं दिमाग नहीं लगा पा रहा हूँ, होता है कभी कभी किरण। ऐसा था तो हॉस्पिटल में ही रहते ना। तुम प्लीज पहले सिमरन की प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, उसके बाद हम काम करेंगे। और काम क्या करेंगे, क्लाइंट आएगा, देखेगा हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, और वो असाइनमेंट वापस ले लेगा। तुम जाओ, पहले सिमरन की प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, जाओ जाओ। सो हेलो, हाँ रश्मि बोलो। थैंक गॉड, क्या कहा क्या डॉक्टर ने?
नहीं नहीं, आउट ऑफ डेंजर तो है, लेकिन क्या कॉम्प्लिकेशन उतनी बड़ी जितनी पहले थी? हाँ, तो मतलब मैं थोड़ा इत्मीनान से काम कर सकता हूँ। अशोक, अच्छा सुनो 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 रश्मि, एक्चुअली ये असाइनमेंट मेरा पुराना कमिटमेंट है, क्लाइंट बहुत बड़ा है तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा, तो यू जस्ट कीप मी इन्फॉर्म। हाँ या थैंक यू बाय। अब आप लोग इत्मीनान से काम कर सकते हैं। एक्चुअली वो राइट, मुझे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बीच में लेकर नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन अब कुछ बीच में नहीं आएगा क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो लेट्स ऑन, कम ऑन, लेट्स स्टार्ट वर्किंग। चलो कविता, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुमने जो कुछ भी किया है वो लोग सिर्फ करने की सोचते हैं, लेकिन अपने ईगो की वजह से कर नहीं पाते। मैं खुश हूं कि तुमने अपने ईगो को एक इतने इंपॉर्टेंट रिश्ते के सामने आने नहीं दिया। पता नहीं रोहित, एकदम से बहुत छोटेपन का एहसास हो रहा है मुझे। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में यह एहसास भी खत्म हो जाएगा। तुम बस अपने आप को माफ कर दो। देखो, लोगों को सबसे ज्यादा वक्त इसी चीज में लगता है, खुद को माफ करने में। अब तुम सिर्फ अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, और मेरे ख्याल से अब तुम्हें सिमरन की हिदायत लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो रोहित, तुम जानते हो कि उनकी हालत क्या है? हालांकि मैंने हॉस्पिटल में ये कह दिया था कि मैं उन्हीं से इलाज कराऊंगी, लेकिन दैट वाज जस्ट टू मेक हर फील गुड। नहीं कविता, देखो ऐसा कभी मत करना। सिमरन खुद तुम्हें ट्रीट करें या ना करें, लेकिन तुम्हारा उनके पास जाना खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा जेस्चर होगा। उसके बाद अगर वो तुम्हें कोई दूसरा डॉक्टर रिकमेंड करती है तो ठीक है, और मेरे ख्याल से अगर वो तुम्हें सर्जरी की सलाह भी देती हैं तो वो भी तुम्हें मान लेनी चाहिए। नहीं रोहित, मैं अपना थोड़ा ज्यादा ख्याल रख लूंगी। आई विल टेक ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस, लेकिन मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगी किसी भी हाल में नहीं। तो जब 50 पे पहुंच जाए ना तो गट्टा दे दे। अम्मा, सड़क पर खाती और चाट और वो भी उधार। हमारे ही घर की घंटी बज रही है, आपने तो बिल्कुल हिलना डुलना ही छोड़ दिया है। हमारे घर का दरवाजा खोलने पड़ोसी आएंगे या नौकर रखेंगे अब हम लोग? तो तुम ही खोल दो, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता एकदम से, जोड़ों में प्रॉब्लम होती है। सरकारी नौकरी वाले घर में अब ये रजवाड़े पैदा हुए हैं। अरे अभी तो क्या हो गया, इतनी देर क्यों लग गई दरवाजा खोलने? अरे बेटे, मैं वहां अंदर कमरे में थी और तेरे पापा के जोड़ों में दर्द हो रहा है, उठ ही नहीं पा रहे। खैर, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, किरण को छोड़ने के लिए आया था, तुम बैठो चलो। कैसी है डॉक्टर ने? उसका कुछ नाम भी है माँ। पर है तो डॉक्टर नहीं, कुछ गलत कहा मैंने क्या? कैसी है वो? बेटर, चलोगे मिलने उससे? नहीं बाबा, मुझसे नहीं होगा दिखावा। उसके सामने फिर कोई सच मुंह से निकल गया तो उससे ज्यादा तुझे बुरा लगेगा। तुम्हारे पोते या पोती की माँ बनने वाली है वो। इसी बात का तो डर है मुझे, बच्चा कहीं उस पर चला गया तो क्या करेंगे हम? तुम ना चुप रहा कर, इतना दुख तुमने सिमरन को दिया है ना, देखना नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुझे। हे भगवान, ये सब देखने के बाद नरक भी मैं ही भोगूं? बेटा रुको, मैं तैयार होके आता हूँ। जी आंटी को सिमरन बिल्कुल पसंद नहीं। लिसन, आई एम सॉरी, आज सुबह मेरा फोकस नहीं था काम के ऊपर बिल्कुल भी। नहीं होना चाहिए ऐसा, बट यू नो व्हेन यू हैव सो मेनी थिंग्स रनिंग इन योर माइंड। काम तो ठीक हो गया ना, यही जरूरी है, एक फेस था निकल गया। मैं तुम्हारी भी परेशानी समझ सकती हूँ। अब मतलब किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। अभी मैं तुम्हारे काम को लेकर बहुत हाइपर हो जाती हूँ, तुम्हें डिस्ट्रैक्टेड या डिसइंटरेस्टेड देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अभी हाँ चले, हाँ चलिए हम लोग जा रहे हैं। सुनिए,
फूल ले जाइएगा मेरी तरफ से। और अभी तू खाना खाने घर आ रहा है ना? हाँ देखता हूँ। देखता हूँ नहीं, खाना मैं बना रही हूँ तेरे लिए। वैसे भी घर में कोई नहीं है तेरा खाना बनाने के लिए। मामा भाई है घर पे। अरे भाई क्या खाक खाना बनाएगी, खाने में सोडा डाल देती है कि जल्दी बने। आ जाना अस्पताल से घर सीधे। किरण बताओ बेटे क्या खाओगी? आंटी आप अभी की पसंद का खाना बनाइए। हेलो। हाँ अरे भाई कहाँ हो? ऑफिस में। क्यों? फोन घर पे भूल गई थी क्या? मतलब थोड़ी देर और लगाती फोन उठाने में तो तारीख ही बदल जाती। हाँ वो मैं केबिन में नहीं थी और फोन बज रहा था तो। अर्मी कोई आया क्या तुमसे मिलने? हाँ वो अश्विन आए हैं। मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है ना मानस, दवाई लेकर आए हैं। यू नो मेंटल स्ट्रेस, काम इतना रहता है। ज्यादा मतलब try not to overwork. Yeah. तुमने कैसे फोन किया? मैंने तो इसलिए फोन किया क्योंकि मुझे तुम्हारा मैसेज मिला। हाँ, वो तो मैंने ऐसे ही जानने के लिए फोन किया था कि तुम कैसे हो। तुम्हारी तबीयत वाकई मुझे खराब लगती है। काम के साथ साथ तुम मेरे बारे में भी सोचोगी तो फिर मेंटल टेंशन तो होगा ही। अपनी तबीयत का ख्याल रखो। अच्छा मानस आई हैव टू गो, मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है। हाँ ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। या श्योर। बाय, टेक केयर। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर, काफी कम समय में बहुत अच्छा संभाल लिया आपने हॉस्पिटल को। मुझे तो सिमरन की कमी ही महसूस नहीं होती। आपकी बेटी की कमी को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यह आप नहीं जानते। उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करना कोई आसान काम नहीं है। बट आई मस्ट से आपकी किस्मत पर लोगों को रश्क होता होगा कि ऐसी बेटी है आपकी। जी हाँ, रश्क तो मुझे भी अपनी किस्मत पर होता है कि मुझे ऐसी बेटी मिली है। लेकिन डॉक्टर कभी कभी उसकी किस्मत पर रोना आता है। डॉक्टर हम लोग भी कभी कभी अपनी सारी इंटेलिजेंस दाग पे रख के अजीब गलतियां कर बैठते हैं। देखिए ना, the kind of choices she had for herself, इस मुकाम पर पहुंचने के बाद उसके पास हीरे चुनने का चांस था रहता है, और वो न जाने कहां से पत्थर उठा लाई अपने लिए। अब बच्चे हैं आफ्टर ऑल, बच्चे गलती करते हैं तो करते हैं, और आफ्टर ऑल यही बताता है कि वो भी इंसान है। बहुत अच्छी इंसान है डॉक्टर। अब इस बढ़ती उम्र के साथ मुझे ये लगने लगा है कि आप अपने बच्चों को उनकी एक गलती की वजह से अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकते। पद्मा को ये बात बहुत पहले समझ आ गई थी, मुझे अब आ रही है। ये बात मैंने भी अपने पति से सीखी और काफी पहले सीखी। खैर हो सकता है आज जो गलती लगे कल वो सबसे बड़ी समझदारी हो। जरूर, और अगर ऐसा हो तो मैं फिर से भगवान के होने पर विश्वास करने लगूंगा डॉक्टर। होगा, जरूर होगा। अच्छा चलते हैं। माथुर साहब। सिमरन कैसी है? ठीक है। बधाई हो आपको, आप नाना बनने वाले हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। पापा मैं सिमरन के पास जा रहा हूं। सक्सेना साहब उस दिन के लिए। नहीं माधुर साहब प्लीज, मैं छोटा आदमी हूं,
लेकिन मुझसे माफी मांग के मुझे और छोटा मत बनाइए प्लीज। आज काम में मन ही नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। वो तो पता चला कि तुम ठीक ठाक हो तो फिर थोड़ा दिमाग चलना शुरू हुआ, बट आज अगर कमिटमेंट नहीं होता ना तो मैं हिलता नहीं यहाँ से। पर फिर भी इत्मीनान था कि यहाँ पे लोग हैं तुम्हारे पास। हाँ मगर तुम नहीं थे। लेकिन अब मेरा कोई कमिटमेंट नहीं और अब मैं कोई कमिटमेंट लेने भी नहीं वाला हूँ। ना यू गोना बी माय प्रायोरिटी। ओके अभी लानत होगी तुझ पर अगर फिर मैंने कभी अपनी इतनी प्यारी बहू की आंखों में आंसू देखे। मानस हाय। हाय अंकल। मानस ये बेटा ये सिमरन बिल्कुल नॉर्मल है और जो भी छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे हम डील कर लेंगे। ना ना मुझे उसकी कॉम्प्लिकेशंस की चिंता नहीं है बेटा। तुम हो डॉक्टर दलाल हैं उसकी अच्छी केयर तो करोगे ही, लेकिन वो डिलीवरी तक तो हॉस्पिटल में नहीं रहेगी ना। नहीं ऑफ कोर्स नॉट। डिलीवरी तक यहाँ क्यों रहेगी, वो एक दो दिन में डिस्चार्ज हो जाएगी उसके बाद वो जाए घर। कौन से घर? अपने घर। मतलब अभिमन्यु के घर? देखो बेटा इस हालत में हमें चिंता इस बात की है कि सिमरन का ख्याल कौन रखेगा। मेरा कहा तो वो शायद क्या बिल्कुल नहीं मानेगी। तुम उससे कहकर देखो। किस बारे में मैं उससे बात करूं? यही कि वो घर आ जाए बेटा, वहां पे हम उसका अच्छा ख्याल रखेंगे। अभिमन्यु के बारे में तो मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हें क्या लगता है मानस? इज ही अ गुड हस्बैंड? मुझे नहीं लगता। मैं ऐसा तो है नहीं अंकल। आई मीन ठीक है ही इज यंग एंड सीख रहा है जिम्मेदारियां उठाना। कैसे सीख रहा है बेटा? सिमरन की हालत इतनी क्रिटिकल थी और वो जल्दी आउट कर काम पर, और काम भी क्या। नहीं ये आई थिंक ये तो फ्रीलांसर की जिंदगी का हिस्सा है अंकल। अब उन लोगों के पास आज काम है कल नहीं है, तो जब काम होता है तब जाना पड़ता है। आई मीन ही इज नॉट अ बैड गाय। मुझे तो भरोसा नहीं है उस पर। तो फिर भरोसा करना सीखिए। वाकई में उतना बुरा नहीं हूं मैं जितना कि आपको लगता हूं। उतने नहीं हो पर बुरे हो। हाँ मुझ में उतनी ही बुराइयां हैं जितनी कि हर इंसान में होती हैं। लेकिन तुम्हारी बुराइयां कुछ ज्यादा ही झलकती हैं। ऐसी क्या बुराई देख ली आपने मुझ में? मैं भी तो सुनू जरा। कुछ बातें मौका और माहौल देखकर की जाती है और ये मौका नहीं है ऐसी बात उठाने का। मेरी पत्नी और आपकी भूतपूर्व बेटी। Excuse me? ऐसे मत देखिए। आप ही ने डिसोन किया था ना उसको। इसी हॉस्पिटल में पड़ी है वो और बहुत ही क्रिटिकल स्टेट में। लेकिन आपको ये मौका और माहौल बिल्कुल सही लगा मेरी अच्छाइयों और बुराइयों का हिसाब लगाने के लिए। हा? देख लिया। देखा मानस क्या उम्मीद रखे कोई ऐसे आदमी से। किरण के साथ देख लिया था आपने मुझको। सिमरन उसके बारे में भी जानती है और उस रात के बारे में भी जानती है। किरण असिस्टेंट है मेरी और उसको लेकर मेरे मन में कोई चोर नहीं है, इसलिए मैं खुल के बात कर सकता हूं उसके बारे में। एंड बाय द वे चोरी वो नहीं होती जो इंसान मान ले, चोरी वो होती है जो इंसान छुपा जाए। आप मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा लेकिन कुछ उंगली आपके ऊपर भी उठी हुई थी। मैंने तो आपकी एक उंगली का जवाब दे दिया लेकिन आपको अपनी तीन उंगलियों का जवाब खुद को देना है।
मौका और माहौल देखकर इत्मीनान से दे दीजिएगा।